भाई लाउड स्पीकर की आवाज़ आपको आ रही होगी, कहाँ से और क्या आ रही है समझ में नहीं आता है। हमारे देश की सबसे बड़ी एक समस्या यह है कि अगर कोई खुश है तो उसको जब तक खुशी नहीं मिल सकती जब तक वो जता नहीं दे कि वो खुश है। अब शादी है, शादी में खुशी है, एक अच्छी बात है और उस आस पड़ोस के सभी लोग खुश होते हैं, लेकिन यार इतना जताने की ज़रूरत क्या है कि भैया हम जो है बहुत खुश है, इसको लेना देना नहीं आपकी खुशी से, तो उसको क्यों जताया जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। अब बात है लाउड स्पीकर की, तो बच्चे जनरली मैं आपको बताऊं कि स्पिरिचुअलिटी चाहे कोई से भी रिलीजन से रिलेटेड हो, आप उसको इतनी प्राइवेसी में करें, दूसरों को बताने की जरूरत नहीं कि हम जैसे कि लाइक भोग लगा रहे हैं, हम इस तरीके से पंडाल लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं, उसको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कनेक्टिविटी आप और उनके बीच में आप स्थापित कीजिए। रोड जाम करना, नमाज पढ़ना, रोड जाम कर करके पूरा भंडारा करना, ये दोनों ही चीज़ें जो हैं अपनी जगह पर, ये चीज़ सही नहीं है। हाँ जी देखिए, टू डाइस, क्योंकि अगर आप भंडारा कर रहे हैं तो सबसे बेटर तरीका है कि एक प्लेस आप लीजिए जहाँ पे बिठा करके लोगों को खाना खिला सकते हैं, लाइक पार्क वगैरह में टेंट लगाइए, आराम से बिठा के खाना खिलाइए, वहाँ पर म्यूज़िक को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए आप, ये सारी चीज़ें आप मेरे हिसाब से तो थोड़ा से रहना चाहिए। टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ द टू फेसिस इज डिविजिबल बाय थ्री और बाय फोर, और आ गया ना एडिशन थ्योरम लगेगा। तो टू डाइसेस आर थ्रोन टुगेदर, ठीक है 36 टोटल आउटकम्स हैं यहाँ, तो पता लगी गया एक बात आपको, टोटल आउटकम 6 × 6, 3 बार होता तो 216 हो जाता, 6 × 6 × 6, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस पर हम। व्हाट इज द प्रॉपर्टी दैट द सम ऑफ द नंबर ऑन द टू फेसिस इज डिविजिबल बाय 3, बट डिविजिबल बाय 3, और पहले मैं ले लेता हूँ डिविजिबल बाय 3, तो पहले 1 के साथ में लेते हैं, 1 के साथ में 1 लूंगा तो 2 डिवाइड नहीं होता, 1 के साथ में मैं 2 ले लूंगा तो बिल्कुल 3 से डिवाइड होगा, फिर 1 के साथ में मैं 3 लेता हूँ नहीं होगा, 1 के साथ में 4 लेता हूँ 5 नहीं होगा, 1 के साथ में 6 लेता हूँ 7 हो जाएगा नहीं होगा। अब आते हैं 2 पे, 2 के साथ 1 लेता हूँ बिल्कुल होगा, 2 के साथ में 2 लेता हूँ 4 बनेगा नहीं, 2 के साथ में 3 लेता हूँ 5 नहीं, 2 के साथ में मैं 4 लेता हूँ 6, ये हो जाएगा 3 से डिवाइड, 2 के साथ में 5 लेता हूँ 8 नहीं होगा 3 से डिवाइड, 2 के साथ में मैं 5, 7 नहीं होगा और 6 भी 8 भी नहीं होगा, एंड 3 लेता हूँ मैं तो 3 के साथ में 1 नहीं आएगा, 3 के साथ में 2 5 भी नहीं आएगा, 3 के साथ में 3 6 आ जाएगा, एंड 3 के साथ में 4 7 नहीं आएगा, 3 के साथ में 5 8 नहीं आएगा, 3 के साथ में 6 9 आ जाएगा। समझ रहे क्या सोचना है आपको, पहले 1 के साथ में क्या ले, 1 के साथ खत्म, 2 के साथ में क्या ले, 1 के साथ में हो गया, 2 के साथ में हो गया, 3 के साथ में हो गया, एंड 4 के साथ में 1 नहीं, 4 के साथ में 2 बिल्कुल 4 2 ले सकते हो, और 4 के साथ में 3 7 नहीं, 4 के साथ में 4 8 नहीं, 4 के साथ में 5 9 ले सकते हो, एंड 4 के साथ में 6 10 नहीं होगा, 5 के साथ में 1 बिल्कुल जाएगा, 5 के साथ में 1 2 1 3 नहीं गया, 1 4 नहीं गया, 1 5 तो जाता ना, 1 6 नहीं जाता, यहाँ पे एक रह गया था 1 5, ठीक है 5 1 5 2 7 नहीं, 5 3 8 नहीं, 5 4 9 यस 5 4 9 5 5 10 नहीं, 5 6 11 नहीं, 6 के साथ में 1 नहीं, 6 2 नहीं, 6 के साथ में 3 यस, 6 के साथ में 4, 6 के साथ में 5, 6 के साथ में 6 यस दिस वन, कितने हुए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तो यहाँ पे हो गए, एंड डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4, तो 1 के साथ में
होगा, वन के साथ में फोर नहीं होगा, वन के साथ में फाइव भी नहीं होगा, वन एंड फाइव नहीं, वन के साथ में सिक्स भी नहीं होगा, एंड टू के साथ में टू, टू के साथ में थ्री नहीं होगा, टू के साथ में फोर नहीं होगा, टू के साथ में फाइव नहीं होगा, टू के साथ में सिक्स, टू सिक्स एट, थ्री के साथ में वन, थ्री के साथ में टू नहीं, थ्री के साथ में फोर नहीं, थ्री के साथ में फाइव, थ्री के साथ में सिक्स नहीं, फोर के साथ में वन नहीं, फोर के साथ में टू नहीं, फोर के साथ में थ्री नहीं, फोर के साथ में फोर, फोर के साथ में फाइव नहीं, फोर के साथ में सिक्स नहीं, फाइव के साथ में वन नहीं, फाइव के साथ में टू नहीं, फाइव के साथ में थ्री, फाइव के साथ में फोर नहीं, फाइव के साथ में फाइव नहीं, फाइव के साथ में सिक्स नहीं, एंड सिक्स के साथ में वन नहीं, सिक्स के साथ में टू, सिक्स के साथ में थ्री नहीं, सिक्स के साथ में फोर नहीं, सिक्स के साथ में फाइव नहीं, सिक्स के साथ में सिक्स, तो कितने हुए यहाँ पे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, तो नाइन पॉसिबिलिटीज़ यहाँ है, या तो ये आ जाए या तो ये आ जाए, तो मतलब कि दोनों के मिला, या तो इसके चांस मिलकर टोटल पॉसिबिलिटीज़ आपके पास में 21 है। तो बस आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स इज 21 अपॉन टोटल आउटकम इज 36, तो तीन से तीन सत्ते 21 और 12, 7/12 इसका आंसर है। समझ में आए बच्चे, डाइस के ऊपर हमने क्वेश्चन बड़े डिटेल में पढ़ा है ना, उससे फाउंडेशन आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। देखिए हाँ, इस पर एक चीज़ का भी ध्यान रखना है थोड़ा सा हमें, कि दोनों में कुछ चीज़ें कॉमन आई हैं। दोनों में कोई चीज़ कॉमन भी है, उस कॉमन को माइनस भी करना होगा ना हमें। हाँ, वन थ्री नहीं है, टू टू भी नहीं है, टू सिक्स भी नहीं है, थ्री वन, एक चीज़ कॉमन क्या आ सकती है, सिंपल सी बात है, थ्री एंड फोर का एलसीएम ले लो 12, मतलब जो कि सम 12 बना रहा हो, जो 12 बना रहा हो वो तीन से डिवाइड होगा, चार से भी होगा, सिक्स सिक्स एंड सिक्स सिक्स, एक चीज़ कॉमन आया है दिस पर, तो इसमें से मुझे एक माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज़ क्या है, कॉमन है, तो क्या आ गया, टोटल 21 पॉसिबिलिटीज थी ना, टोटल कितने थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, एक का तो आपका आ गया 12/36, एक का आ गया आपका 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक 9/36 आया, और एक दोनों में कॉमन है 1/36, नहीं तो आप इनको सम करके एक ही बार करते हैं, आप वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो 20/36 एंड 4/5/9 इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है बच्चे, कॉमन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। ठीक है, ऊपर क्या हो गया ये, ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट पासिस बीकॉम ऑनर्स एग्जामिनेशन इज 2/3 एंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही पासिस बोथ बीकॉम ऑनर्स एंड सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन इज 14/45 द प्रोबेबिलिटी दैट ही पासिस एट लीस्ट वन एग्जामिनेशन इज 4/5 वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही पासिस द सीए एग्जामिनेशन। ठीक है बच्चे, कम से कम एक पेपर में पास हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/5, वो दोनों में से किसी भी एक में हो सकता है, एटलीस्ट का मतलब क्या हो सकता है, या तो इसमें पास होगा या तो उसमें पास होगा, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/5 है। एग्जाम बीकॉम ऑनर्स की क्या है, 2/3 है, एंड बोथ की कितनी है, 14 बाय
45 पे। चलो करो इसको। देखिएगा, तो द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट पास एन ए बी कॉम ऑनर्स एग्जाम, तो प्रोबेबिलिटी एक है बी कॉम ऑनर्स को मैं मान लेता हूं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज क्या है 2/3, एंड सी ए एग्जाम में पास होने को मैं बी मान लेता हूं, जो कि मुझे नहीं पता, जो कि मुझे फाइंड आउट करनी है, और दोनों पेपर में पास हो जाता हूं। आगे क्या करें, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही पासिस बोथ बी कॉम ऑनर्स एंड द सी ए एग्जामिनेशन, प्रोबेबिलिटी ए सी ए बी कॉम ऑनर्स एंड सी ए, मतलब दोनों में जो कॉमन है कि दोनों में पास हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 14/45, दोनों में पास होने की चांसेस हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट पासिस एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ, या तो इस पेपर में पास होगा या तो उस पेपर में पास होगा, तो मतलब कि दोनों पेपर के मिला करके उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/5। तो बेसिकली आप कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों का, कैसे निकालोगे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट का लोगे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड का लोगे, अगर कुछ कॉमन आ रहा है उसमें से माइनस कर दोगे, प्रोबेबिलिटी ए कॉमन को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है बच्चे, समझाया आपको, कॉमन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, पता लगा नहीं आपको? लाइक जैसे कि यहाँ पर मान के चलो ये 8 है, मान के चलो ये 7 है और ये 1 है, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी, सर्कल ये पी है सर्कल क्यू है, तो सर्कल पी और क्यू की पूरी वैल्यू कितनी होगी, क्या 8, 7, 15 वैल्यू होगी? बिल्कुल नहीं, ये 1 इस 8 में भी इंक्लूडेड है, ये 1, 7 में इंक्लूडेड है, 8, 7, 15 कर रहे हो। क्लियर है, तो आपसे गलती क्या हुई, 8 के अंदर 1 था आ गया, 7 में सेम 1 आपका आ गया, तो रिपीटेशन ज़्यादा होगी ना, सही करने के लिए क्या करोगे, अब बोलोगे सर एक बार क्यों माइनस करें, अरे आप दोनों में माइनस कर लो, चलो ये कितना हो गया 7 हटाओ, और ये वाला पार्ट कितना हो गया 6, तो 7, 6 कितना हो गया 13, अब ये वाला पार्ट ले लो 1, तो 14, अब पूरे सर्कल की वैल्यू आ गई, इसकी इसकी कोई रिपीटेशन नहीं है। क्लियर है बच्चे, समझ में आया? अगर आप 8 और 7 आप कर लेते सीधा 15 तो आपका रॉन्ग हो जाता ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल पी एंड क्यू बोलते हैं इसको हम, कितना आया 14, एंड सर्कल ऑफ पी एंड क्यू में कॉमन क्या है 1 है, एंड सर्कल ऑफ पी की वैल्यू क्या है 8, एंड क्यू की वैल्यू क्या है 7, समझ में आया बच्चे ये सब चीज़ें क्या है, तो आपको ये चीज़ें यहाँ पर समझनी है। तो उसी तरीके से आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी गिवन है 4/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास में 2/3, ये आपको फाइंड आउट करना है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ पी 4/5। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 4/5 माइनस 2/3 एंड माइनस प्लस 4/5, के प्लस जाएगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू एलसीएम ले लेंगे इसका, एलसीएम क्या आएगा आपके पास में बच्चे 5 का 3 का 15 एंड 5 3 जा 12 एंड 3 5 जा 10 एंड 5 3 जा ये हो गया 12, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 2 and 14/15 दिस वन, ये इसका आंसर है। क्लियर है बच्चे, तो ऐसे छोटे छोटे सवालों से आप अपना बिल्कुल प्रैक्टिस जितना करेंगे, जितनी वेराइटी करेंगे उतने ही उतना ही दिमाग आपका चल पाएगा। ठीक है, करो इस क्वेश्चन को ट्राई। इफ ई एंड एफ आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ द विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल्स टू दिस एंड प्रोबेबिलिटी ई और आर, मतलब ई और मतलब कि क्या होता है ये दोनों का मिलाकर के, एंड प्रोबेबिलिटी ई एंड एफ मतलब दोनों कॉमन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, समझिए जरा इस सवाल को क्या होता है। इफ द इवेंट ऑफ ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ई एंड एफ आर टू इवेंट्स दैट एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट फॉर विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तो गिवन है आपके पास में 0.1 होता है, ध्यान रखना इस चीज को 6। प्रोबेबिलिटी ई और कभी और आइदर आ जाए ना, तो मीन्स क्या होता है आपके पास में प्रोबेबिलिटी दोनों को मिला करके, इसे ई और बोलेंगे दिस वन 0.85 दोनों को मिला करके, एंड प्रोबेबिलिटी ई एंड पी, ई एंड पी का मतलब क्या होता है, एंड मतलब क्या होता है दोनों में जो कॉमन है, दिस वन ई एंड एफ 0.42, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ पूछ रहा है, तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यू एफ कैलकुलेट करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लेंगे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लेंगे
एन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉमन एफ दिस वन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.42 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.60 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आपको नहीं पता माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ में जो कॉमन है वो आपके पास में 0.42 है. सॉल्व करेंगे आप 0.42 माइनस 0.60 एंड प्लस 0.42 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ. ठीक है बच्चे, क्लियर है? तो आपके पास में 82 माइनस 60 22, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल्स टू 0.22. ठीक है, समझ में आया आपको? ये देख लीजिए क्वेश्चन. तो एडिशन थ्योरम का क्वेश्चन है, ये सारे पॉइंट समझने जरूरी हैं बच्चे. जो आप यूट्यूब पे देखते हो और बोलते हो उसमें आपका सिलेबस कवर हो जाएगा. ई और एफ की वैल्यू क्या है? 0.85 बस लिखने, कैलकुलेशन मिस्टेक करिए. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.60, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ फाइंड करना है आपको 0.42. माइनस करेंगे 0.25 एंड प्लस करेंगे 0.42 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ. सॉल्व करेंगे 760 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दिस वन. तो कैलकुलेशन मिस्टेक थी बस और कुछ नहीं था. क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको ये?